बचपन में जब मैं आई थिंक 10 साल की थी, उस समय हम लोग मायापुर में कुछ 2 साल रहे थे। लाइक मेरे माता पिता के यहाँ कुछ सर्विसेज थी, तो 2 साल हम यहीं रहे थे। और तभी जैसे हम सब जानते हैं, गुरु महाराज अधिकतर समय मायापुर में व्यतीत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल तो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है उस समय से, जी किस प्रकार स्कूल में आते थे, फिर किस प्रकार मंगल आरती के बाद जो जयपा वॉक के लिए जाते थे गौशाला। तो उस समय जी हम गृहस्थ एरियाज में रहते थे, तो जी कभी अगर हम लेट भी उठे तो सुबह गुरु महाराज जब आएंगे तो उनके साथ जो पूरी सब डिवोटीज की जो पूरी ग्रुप आता था, जी तो सब बच्चे बहुत जाते थे उसमें, तो वो पूरे जो आवाज़ और चैंटिंग की आवाज़ से हमारी नींद खुल जाती थी। तो वाह बहुत अच्छा लगता था, जस्ट उठ के ऐसे बालकनी में देख रहे हैं और गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ग्रेट फिर उस समय इधर सुलभ किचन के इधर एक हॉल था जहाँ उनकी गुरु पूजा होती थी, ओ तो जब गुरु महाराज यहाँ रहते थे तो अधिकतर डिवोटीज वहीं जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज थे। फिर उस समय तो मतलब इतनी फिलॉसफी इतना नहीं समझते हैं ना, लाइक 9-10 साल के रहते। ऑब्वियसली फिर उसके बाद हम मुंबई वापस गए थे, और तभी गुरु महाराज को जो स्ट्रोक हुआ था, तो उसके बाद गुरु महाराज भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आए थे और हम जस्ट वहीं रहते थे। तो बेली मतलब कुछ शायद 2-3 महीने हुए होंगे और पूरा फेस डिसलोकेटेड है, आधा साइड पैरालाइज्ड है। लेकिन वहाँ मंडे प्रोग्राम करके एक सत्संग प्रोग्राम होता था भक्तिवेदांत अच्छा हॉस्पिटल में, जी और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं एवरी मंडे जाती थी। तो जब गुरु महाराज जो ड्यूरेशन में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में थे, तो इतना फिजिकल बोलते ना डिफ़िकल्टीज के बावजूद भी वो हर मंडे आके वहाँ कम से कम 10-15 मिनट तो क्लास देते ही देते थे। तो राइट वो देख के उस मतलब उस एज में भी ऐसे बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही इंस्पिरेशन फील होता था कि हम तो क्या बहाने बना देते हैं, थोड़ा बीमार है तो बिल्कुल अरे अभी सिर दुख रहा है नहीं जाना, ये एग्जैक्टली करना है वो, ऐसा जी कुछ ना कुछ। लेकिन गुरु महाराज को इतनी मुसीबत थी तो भी वो उनका जो एंथुजियाज्म था प्रीचिंग के लिए वो जी कभी कम जी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे लाइक उनके बारे में और जब जानने की कोशिश की, सब जानते गए, फिर पता लाइक जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ही इज़ जी दी इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य राइट महाप्रभु। राइट और ऐसे फिर मायापुर बचपन से ही हमें बहुत प्रिय था, तो मायापुर हम जितना आते थे तो गुरु महाराज के अगेन दर्शन होते थे, कुछ ना कुछ ऐसे मेमोरीज है। तो ये सब देख के बहुत ही कनेक्शन फील होता था। एंड देन ऑब्वियसली जब ये डिसाइड किया कि अभी दीक्षा लेनी है, तो फिर श्रवण राइट लेक्चर्स सुनने लगे, जी और फिर ऐसे गुरु महाराज से बहुत इंस्पिरेशन था। और ये भी था कि उनसे दीक्षा लेना, मतलब हम बॉम्बे में थे तो राधानाथ महाराज के भी हम बहुत लेक्चर्स सुनते थे, उनके लेक्चर्स भी हमें बहुत अच्छे लगते थे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि इनसे किससे लेना है। जी होता है समय समय पे फिर मैंने एक दिन एक पास टाइम सुनी थी जिसमें एक डिवोटी के लाइफ में कैसे उनके गुरु खुद मैनिफेस्ट हुए, मतलब वो कभी गए नहीं गुरु के पास, बट जस्ट इट गॉट मैनिफेस्टेड। डिटेल्स में नहीं जाऊंगी अभी। तो मेरे मन में एक डिज़ायर थी कि अभी मेरे पास एक कन्फ्यूजन है, और मैंने IDC में पढ़ा था ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट कहीं हाँ आता है जहाँ एक वन पर्सन इज़ कन्फ्यूज दो बिल्कुल गुरु के बीच में, तो फिर जी उन्हें कोई और सीनियर वैष्णव बोलते हैं कि आप एक को दीक्षा गुरु लीजिए और एक को शिक्षा गुरु लीजिए एंड यू बिल्कुल रिस्पेक्ट बोथ इक्वली। राइट तो फिर मैं मायापुर आई हुई थी, कार्तिक यात्रा था, और मैं पंचतत्व से बस प्रे कर रही थी कि अभी प्लीज़ दीक्षा के लिए अभी आप ही कुछ दिखाइए, यू ओनली मैनिफेस्ट द गुरु इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दैट। तो फिर मैं हम लोग सुरभि कुंज गए थे उस दिन, ओके और वहाँ से आते आते मेरे पापा ने मुझे खुद से पूछा हम्म कि अभी तुम्हारा दीक्षा का अगर करना है तो यहाँ जाके बात कर सकते हैं JPS ऑफिस में। जी और फिर हम गए JPS ऑफिस में, मणिगोपाल प्रभु से बात की, सब किया। तो वो मतलब वो जो इंडिकेशन था, दैट वाज लाइक नित्यानंद प्रभुज आंसर टू माय प्रेयर्स, बिकॉज जस्ट वेरी सुबह ही नाइस प्रे किया था और फिर सुरभि कुंज में थे, वेरी तो नाइस फिर वो कनेक्शन और ज़्यादा फर्मली एस्टैब्लिश, लाइक ऐसा लगा कि ओके दिस वाह इज़ द अमेजिंग इंडिकेशन।